उठे खड़ा रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश और पुलिस के आदेश के अनुसार उन सबको भी जमा कराना चाहिए और मैं अपनी जो लाइसेंस वाली जो लेके आया हूँ यहाँ पर जमा कराना है ताकि हम कानून का पालन करें और बाकी जो साथी हैं उनको भी पालन करना चाहिए। ये हमारी सारा फोटो खींचो मैडम खींचो मेरा पास पंचड़िया डेढ़ पता हो गया चाहने की ये काफ़ी दिन से ये आर्डर हो रखा है। इलेक्शन से पहले डीएम साहब का ये आर्डर है कि जिन जिनके पास लाइसेंसी जो आर्म्स हैं वो अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर डिपॉज़िट करवाने हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम भी वो यहाँ पे जो अपने आर्म्स जो हैं लाइसेंसी इशू जो हैं वो उनको डिपॉज़िट करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पूंछ में आए हैं। तो ये एक मतलब हमारे लिए भी मतलब सेफ्टी की बात है। अगर किसी किस्म की कोई भी हादसा अगर रूनुमा हो जाता है इन दौरान तो अगर हम आर्डर नहीं मानेंगे तो फिर उसमें हम भी उस शिकंजे में आ सकते हैं। इसलिए सबके लिए बेहतर है कि अपना अपना जो आर्म्स हैं जो भी हैं गन जितनी भी जिन्होंने रखी हैं लाइसेंस के पर इशू हैं उनको डिपॉज़िट करा देनी चाहिए क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं किसी किस्म का कोई भी हादसा रूनमा हो सकता है और फिर उस वक्त जवाबदेही देना जो है वो मुश्किल हो सकती है। इसलिए सभी लोगों से भी मैं भी अपील करता हूँ कि आपने अगर अभी तक नहीं करवाए हैं लाइसेंस अपने आर्म्स नहीं जमा करवाए हैं तो आज तक का उन्होंने डेट दी है शाम 6 बजे तक आज का हुक्म है। पुलिस की गाड़ी गई थी उसमें अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि आज ये आर्म जो हैं वो यहाँ पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो। तो सभी लोगों को इस हुक्म की तामील करनी चाहिए। उससे आप सबका बहुत कुछ अपन जो ऑर्डर किया था हमारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने और कि आज शाम के 6 बजे तक जो वेपन हमारे पास लाइसेंस के वेपन हैं उनको जमा कराना है तो उसी आदेश का पालन करते हुए ये बिल्कुल सही बात है कि हमने वेपन जमा कराना है और भी जितने कोई साथी हैं जिन्होंने अपने घर में लाइसेंस वाले वेपन रखे हुए हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश और पुलिस के आदेश के अनुसार उन सबको भी जमा कराना चाहिए और मैं अपनी जो लाइसेंस वाली ये गन है मेरी मैं इसको लेके आया हूँ और यहाँ पर जमा कराना है ताकि हम कानून का पालन करें और बाकी जो साथी हैं उनको भी पालन करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बन जाती है जब एडमिनिस्ट्रेशन हमें किसी बात के लिए कहेगी तो हमने उसके लिए खड़े रहना है उनके साथ सहयोग करना है ताकि हमारे जो इलेक्शन हैं ये पीसफुली हो सकें और हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के इनको सहयोग करें।